नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नए कृषि कानून और किसानों के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज तीनों कानूनों पर रोक लगाने का फैसला किया। आज सीजेआई ने कड़े शब्दों में कहा कि कोई राजनीति का विषय नहीं है, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। ये कमेटी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। खबरों के मुताबिक बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल सेतकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ओर से वकील एमएल शर्मा ने बहस की शुरुआत की और कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है और हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन बेच दी जाएगी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि ये कौन कह रहा है कि जमीन बिक जाएगी। फिर एमएल शर्मा ने कहा कि अगर हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फसल क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम अंतरिम आदेश में कहेंगे कि जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एमएल शर्मा ने कहा कि किसान कल मरने की बजाय आज मरने की तैयारी है। सीजेआई ने कहा कि हम इस जीवन मौत के मामले की तरह नहीं देख रहे, हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। कानूनों के अमल को स्थगित रखना हमारे हाथ में है। लोग बाकी मसले कमेटी के सामने उठा सकते हैं। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि हमारे पास अधिकार है जिससे हम कानून को रद्द भी कर सकते हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।